और भाई लोगों, क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। तो भैया, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर मोटो ब्लॉगर हैं तो आप कंटेंट कैसे क्रिएट करो। कुछ चार पांच टिप्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उन्हें ध्यान में रखते हो तो। मेरे भाई, आप सीरियसली बता रहा हूँ, आप अपना कंटेंट बड़े प्यार से निकाल पाओगे। पहली बात बताने से पहले पहले देख लेते हैं भाई। देखो, पहले आपके पास जो सेटअप है ना, उसका माइक अच्छा होना कंपलसरी है, बिकॉज ऑफ आपकी कैमरे की क्वालिटी। और जो माइक है ना, यही आपकी वीडियो को क्या करता है, बताता है कि आप सच में कुछ बना रहे हो। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो भाई तो आपकी वीडियोज़ पे थोड़े कम व्यूज़ आएंगे, या फिर कह सकते हैं वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव नहीं लगती है इन चीज़ों की, अगर वाली कमियाँ हैं आपकी उसमें। ठीक है, सो भाई पहली टिप के बारे में बात करें। आप मोटो ब्लॉगर की लाइफ में भाई सबसे बड़ा ड्रामा ये होता है कि हमसे कोई नहीं बोलता वैंकर रोड पे, हमें ही लोगों से बोलना पड़ता है, हाँ भाई क्या हाल है, इस तरीके से बोलना पड़ता है। और घंटा कोई नहीं बोलता, और अपने आप से भूतों से बातें करते ना, इस तरीके से बात करनी पड़ती है। देखो, कंटेंट कैसे निकालते हैं पहले जान लो। आपके अंदर एक हुनर होता है, वो होना चाहिए। जैसे कि ये एंटी क्रॉस करनी है बच्चों के संग रोड को, तो आप इसको किस तरीके से बताओगे, आपको बताने का एक तरीका पता होना चाहिए। अगर आप चीज़ों को देखो, दिख सबको रहा है, लेकिन आप जितने इंटरेस्टिंग तरीके से अगले को समझाओगे, अगले मीन्स आगे वाले लोगों को समझाओगे, यानी कि सभी को समझाओगे जो आपके व्यूअर्स हैं, उन्हें जितना इंटरेस्टिंग वे में समझाओगे, उतना ही आपकी वीडियोज़ को बंदे लाइक करेंगे। आपको ये चीज़ें आपको बतानी आनी चाहिए। रोड पर जो भी हो रहा है, दिख सभी को रहा है, लेकिन आप किस तरीके से उन्हें बताते हो, सामने वाले को इस तरीके से बताना, अपने व्यूअर्स को इस तरीके से समझाना कि वो पागल हो जाए, भाई ये बंदा क्या एक्सप्लेन करता है इस तरीके से। दूसरी चीज़ मेरे भाई, आप जब भी रोड पे शूट कर रहे हो, अपना ब्लॉग शूट कर रहे हो, तो अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक वगैरह में रुकी हुई है, या फिर रोड ब्लॉक है, व्यू वगैरह नहीं आ रहा, तो उस समय पे आप कोशिश करें कि आप म्यूट रहें, क्योंकि उस समय पे आपका बोलना बेकार होता है। जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो देखते हैं व्यू के साथ देखते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। और भाई तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, एक चीज़ आप मैं पहले बता चुका हूँ, आपका सेटअप बहुत प्यारा बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे भाई, तभी बात बन पाएगी। वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी 100% चाहिए होती है, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। ठीक है भाई, और आपको बस मेन ये कंटेंट निकल जाएगा, आपको बोलना आना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बताते हैं ये करो वो करो, घंटा मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, मैं बता रहा हूँ अगर आप सामने जो चल रहा है, जो चीज़ है, उसको इतने अच्छे तरीके से बताइए, इतने अच्छे तरीके से बताइए कि सामने वाला मतलब पागल ही हो जाए कि चलो भैया आगे चलते हैं। और भाई गाड़ी को हमेशा लिमिट में रह के चलाओ, क्योंकि इन रोडों पे बैंकर पता नहीं कौन कब ब्रेक मार दे, साला कुछ समझ नहीं आता। बाकी मैं आपके लिए अपना जो सेटअप है, अपना मैं सिर्फ खुद का सेटअप आपको बताऊंगा। देखो, आपको रील्स के अंदर, अपनी इस वीडियोस के अंदर मेरी साउंड क्वालिटी भी दिख रही होगी, वीडियो क्वालिटी भी दिख रही होगी, इस तरीके से आपको मैं किस तरीके से सेटअप करना है अपना, और आपको माइक कहाँ पर लगाना है हेलमेट के, और हेलमेट किस 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 पोजिशन पर माउंट करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा, और बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। ठीक है गाइस, एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार, जैसे कि आपकी, जैसे मान लो कैमरा नहीं खरीद पाते हर बंदा, न्यू न्यू स्टार्टर होते हैं, जैसे मैं भी स्टार्ट किया था, जब मेरे पास भी 6 लेजेंड था, है ना, सभी को पता है कि बिगिनर्स के लिए मेरे पास होता, तो इन कैमरेज में थोड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे कि सामने से कोई फोकस लग गया, या फिर सनलाइट दे जा रही है, तो उस समय पर आप खुद को म्यूट रखें, क्योंकि जो आपकी वीडियो क्वालिटी है वहाँ पर बिगड़ती है, और वहाँ पर आप बोलोगे तो वहाँ पर फ्लो नहीं बनता है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे भाई, और ध्यान रखना, अगर ब्लॉगर बन रहे हो तो बोलना आना चाहिए, घंटा तुमसे कोई नहीं बोलेगा तुम्हें रोक के, तुम्हें हेलमेट के अंदर खुद की आत्माई से बात करनी है मियाँ, सामने वालों को कमेंट भी खुद ही मारना, खुद ही हंसना है, सब कुछ खुद ही करना है इसमें। ठीक है, अगर खुद से बात करने में इंटरेस्टेड हो तो भैया आप बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, हाँ शुरुआत में ब्रेकर्स लगते हैं यार लाइफ में, एकदम अचीवमेंट्स नहीं मिलती हैं, धीरे धीरे मिलती हैं। अगर आपने स्टार्ट किया है ना, देखो यार स्टार्ट किया है तो सक्सेस मिल जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलना निश्चित है। हाँ अगर छोड़ दोगे तो फिर तो घंटा नहीं मिलने, देखो नहीं करोगे ना मिलना पॉसिबल 100% है नहीं मिलेगा, लेकिन करोगे तो मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। सो भाई इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं करते हैं समापन, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा भाई जो मोटो ब्लॉगर हो कंटेंट नहीं निकाल पा रहा हूँ, उसको वीडियो शेयर करना, उसे बताना भाई ऐसे नहीं मिलेगा कंटेंट, खुद से बात करनी पड़ेगी रोडों पे, जैसे ऐसे, हाँ भाई इस तरीके से करना पड़ेगा, झोल झाल समझ रहे हो ना भावनाओं को मेरी। चलो तो जब तक के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, लाइक करो सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, टाटा।